टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, जो मोशन अंडर ग्रेविटी का जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको कई एग्जांपल करवाए भी थे और मैं आपको कई एग्जांपल और करता हूँ, करा के दिखाता हूँ कैसे। आपको क्वेश्चन आ गया कि एक बॉल है, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं विद 20 मीटर पर सेकेंड, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी जीरो है और आपको हाइट निकालनी है इसकी, क्या होगी? सही है, तो आप इसमें लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 ए एस, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल 20 है, एक्सेलरेशन -9.8 है क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू घटती जा रही है, रिटार्डेशन है और एस की जगह एच एस, सॉल्व करके एच आ गया, ये पॉइंट नंबर 1 है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसे ही करते आए हम 9th में भी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर बॉल ऊपर जा रही है तो -9.8 है, नीचे आ रही है तो +9.8 है, बात खत्म है। सही है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन में अब ये गिवन है कि बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है कहाँ से, ऊपर से नीचे, और मान लो हाइट है 980 मीटर, आपको बताना है कितने समय में ये नीचे आएगी। ड्रॉप का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो है, आप वाई एक्सिस में लगाएं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, एस की जगह क्या वैल्यू पुट करें, 980, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि बॉल नीचे आ रही है, नीचे आने में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वहां से टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थर्ड है, अगर सपोज करो आपके पास, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, एक टावर है जिसकी हाइट एच है और आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है, जब ड्रॉप किया है तो यू इज इक्वल टू जीरो है, बॉल नीचे आएगी, तो टाइम बताना है कि बॉल कितने डिस्टेंस में नीचे आएगी। तो आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो एस की जगह एच, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, हाफ इंटू 9.8 लेंगे क्योंकि वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे इसकी वैल्यू होती है, इंटू टी का स्क्वायर, सॉल्व करके टाइम निकाल लेंगे, बात खत्म। ठीक, ऐसा लगाएंगे आप अपने क्वेश्चन में। सपोज करो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फिर से ये एक टावर है और ये ग्राउंड है, आपने एक बॉल को नीचे फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, हाइट इसकी एच है, तो इक्वेशन लगेगी टाइम अगर आपको निकालना है नीचे आने का, यू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर ही लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, यहां से एच गिवन होगा, यू गिवन होगा, टाइम की क्वाड्रेटिक बनेगी और वहां से आंसर आ जाएगा। ये भी टेक्निक क्लियर है, कोई नई बात नहीं है। आखिरी क्वेश्चन में सपोज करो फिर से ये एक टावर है, इसके अंदर सपोज इस बार बॉल को ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, तो बॉल ऊपर भी जाएगी और फिर नीचे गिरेगी, कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एच, एच ये एच की वैल्यू है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही नीचे, बात ही खत्म है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, आप इस जर्नी को दो हिस्सों में बांट लें, पहले ये वाला हिस्सा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू पता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, तो आप पहले जाने जाने की जर्नी लें, जाने जाने की जर्नी में आप लगाएं वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी जीरो कर लें, इनिशियल आपको पता होगी, एक्सेलरेशन -9.8 कर लें और यहां से यू पता होगा, यहां से T1 निकाल लेना, टाइम आ जाएगा T1, आंसर आ जाएगा, ये टाइम T1 निकाल लें। फिर आप एक काम करें, इस पूरी जर्नी को ले लें, इस पूरी जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी जब बॉल नीचे आएगी तो क्या ली जाएगी, जीरो, ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ये तो गिवन ही है, इन इक्वेशन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 ए एस से एच आ जाएगा, फिर एच में ये एच ऐड करके टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, फिर आप लगा लें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर या प्लस GT स्क्वायर, फिर यहाँ से T2 आ जाएगा, T2 T1 को ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है क्योंकि पहले इस जर्नी को सॉल्व करना पड़ेगा T1, फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा T2, फिर ऐड करना पड़ेगा, तो ऊपर जाना और नीचे आने का टाइम आएगा। फिजिक्स वाले लोगों ने इसे सॉल्व किया हुआ है, ऐसे ही किया हुआ है, लेकिन सॉल्व करने के बाद उनको ऐसा लगा कि स्टूडेंट के पास जब ऑब्जेक्टिव आएगा
जब ये प्रॉब्लम आएगी तो वो बहुत उलझ जाएगा, एक दो इंटरवल में काम करने से उसको मुश्किल होगी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट बना दिया गया है। शॉर्टकट सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर चलता है, हर जगह नहीं चलता। शॉर्टकट ये है जो लास्ट टाइम भी किया था, अगर ये हाइट h है और आपको u वेलोसिटी गिवन है और आपको एक ही बारी में एक ही क्वेश्चन में टोटल टाइम बताना है, तो आप इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डिस्प्लेसमेंट को नेट डिस्प्लेसमेंट h ही माने, ऊपर नीचे की ना माने, h लिखें और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको नेगेटिव मान लें, माइनस यू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अगर आप ये इक्वेशन लगाएं कि जब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव मान लें और फिर उसको इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आप ना सीधा यहाँ से टोटल टाइम निकाल सकते हैं। आपको बार बार क्वेश्चन डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही गो में टाइम आएगा, इंक्लूडिंग ऊपर जाना, इंक्लूडिंग नीचे आना। तो शॉर्टकट क्या है, सिर्फ ये कि यू को क्या लेना है आपने इसमें, नेगेटिव। आपको ये नहीं पसंद आता, कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी चला लें, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें सॉल्व, मैं तो मना ही नहीं किया। थोड़ा लंबा पड़ेगा, तसल्ली तो है आपको, कम से कम ठीक आ रहा है, पर जब थक जाएं तो फिर माइनस यू कर दें, फिर वो सीधा एक गो में आंसर आ जाएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन ये ज्ञान हर क्वेश्चन में ना बांटें कि सर ने कहा था आज के बाद अगर बॉल ऊपर जाएगी तो यू नेगेटिव लेना, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने कहा सिर्फ टावर की छत पे खड़े होके अगर आपने ऊपर बॉल को फेंका और कुल मिला के टोटल टाइम एक ही क्वेश्चन से लेना है तो यू नेगेटिव लेना है, बस इतना बताया और कुछ नहीं बताया। ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन सुन लें। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एक बैलून, वो कहेगा जी एक बैलून उड़ा है जमीन से और वो 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ऊपर जा रहा था। इस बैलून में से किसी ने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया, ड्रॉप करते यू की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो, ऐसा लगता है इसमें नहीं होगी। अब बड़ी अजीब बात है, आप प्लेन में उड़ रहे हैं, 700 किलोमीटर पर आर पर प्लेन चल रहा है, कोई पायलट आपको ऐसे ड्रॉप कर दे तो आपकी स्पीड हवा में 700 जीरो आएगी, क्या आप नीचे गिरेंगे, मतलब ही नहीं है। जो प्लेन की स्पीड है वही आपकी स्पीड भी है, पैसेंजर भी 700 से उड़ रहे हैं और जैसे ड्रॉप होते हैं तो भी 700 से आगे जाएंगे। अगर चलती कार में से अगर मैंने ड्रॉप पैर भी बाहर रख लिया, कार की स्पीड अगर 60 है तो जैसी मैं हवा में कांटेक्ट छोड़ दूंगा कार की तो भी स्पीड मेरी 60 ही होगी, तो तभी तो जब मैं ज़मीन पर गिरूंगा तो मुझे चोट लगे, घिसटता हुआ आगे जाऊँगा। तो रूल समझ में आ रहा है, तो मतलब कॉपी पेस्ट करनी है वेलोसिटी, तो जो कार की वेलोसिटी वही कॉपी कर दो स्टोन की वेलोसिटी या पर्सन की वेलोसिटी। तो अगर बैलून की वेलोसिटी ऊपर, देखो वेलोसिटी वेक्टर है, ऊपर जाने की 14 है, स्टोन की वेलोसिटी निकलते ही ऊपर ऊपर कितनी है, 14 मीटर पर सेकंड ही होगी, यानी कि स्टोन, बैलून तो गया अपने घर, जाने दो, उड़ने दो, अब स्टोन बाहर आ गया, स्टोन कुछ इंस्टेंट के लिए ऊपर जाएगा 14, 13, 12 करते करते जीरो और फिर नीचे आएगा, तो स्टोन की जर्नी ऐसी रहेगी क्योंकि बाहर निकलते ही वो नीचे गिरेगा नहीं ना, निकलते ऊपर की स्पीड 14 है, जब तक ऊपर की स्पीड जीरो नहीं होती तब तक वो कुछ इंस्टेंट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं बाकी डायग्राम हटा दूं और आपसे ये पूछूं कि ये पत्थर को गिरा गया था 980 मीटर पे, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हैं स्टोन के जमीन पे नीचे गिरने का, तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे आपने टॉप ऑफ द टावर पे चढ़ के एक बॉल को 14 से ऊपर गिर दिया। सारा डायग्राम हटा दो, ये रख लो, तो पिछला शॉर्टकट आ गया। दो तरीके हैं करने के, ये टाइम अलग निकाल लो, ये टाइम अलग निकाल लो, और एक मेरा शॉर्टकट है कि जब भी ऐसा डायग्राम बने ऊपर जाके नीचे आना तो एक ही क्वेश्चन अप्लाई करो, 980 यू को नेगेटिव कर दो, माइनस 14t हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, जो टाइम आएगा वो ऊपर और नीचे सारा इकट्ठा ही आ जाएगा, बात ही खत्म होगी, बस ये आखिरी शॉर्टकट यहां चलेगा। तो जब भी डायग्राम ऐसा बने कि बॉल को ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आ रही है और एक गो में, चाहे वो बैलून से फेंका चाहे वो टावर से फेंका, एक गो में जब वो नीचे आएगा, तो अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो ये शॉर्टकट लगाना, यू नेगेटिव, अपने आप आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? स्टोन ये कार है, कार में से अगर कोई बंदा बाहर निकल जाए 60 तो वो आगे जाएगा ना, एनर्जी है ना,
इनर्शिया ऑफ मोशन। तो स्टोन अगर ऊपर उड़ रहा है तो ये पत्थर भी ऊपर उड़ रहे हैं 14 के साथ। स्टोन जब वैसे ही बाहर आया तो इसके पास कितनी वेलोसिटी है 14, कहाँ ऊपर, बैलून ऊपर जा रहा था ना, तो बैलून नहीं, देखो ऐसा है ना, पहले बैलून की वेलोसिटी उसको दे दो, बैलून 14 ऊपर था, स्टोन भी 14 ऊपर है। अब ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गया ना, बैलून तो गया, ग्रेविटी का इफेक्ट क्या कहता है कि 14 से ऊपर जा रहे, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 4, 0 और फिर नीचे, कुछ टाइम तो जब तक जीरो नहीं हो गया ऐसे कैसे नीचे जाएगा, माइनस 14 के 14 मीटर पर सेकेंड ऊपर वेलोसिटी, नीचे कैसे आ जाएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इसमें नहीं, दो मिनट, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये शॉर्टकट सारे क्लियर हैं, ठीक। इसके बेस पे जो नेक्स्ट शीट है ग्रेविटी वाली, उसको देख बार डिस्कस करते हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हो सकता है तभी आपकी प्रॉब्लम में डाउट आते हो बैलून वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आपने ये किया नहीं हुआ है। एक बार मैं ओपन कर लूँ तो इसको एक बार देखते हैं।